अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जिस तरह कि आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हुई हैं, तो गाड़ी के सिलेंसर के अंदर से जो पानी आता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड है कि अगर कहते हैं कि सिलेंसर से पानी आए तो इसका मतलब है कि गाड़ी का इंजन जो है वो अच्छी कंडीशन के अंदर है। क्या ऐसा है या नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट तो नहीं, ऑलरेडी पहले मैंने स्टार्ट कर ली हुई है, पर फिर भी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, काफ़ी देर से खड़ी है। स्टार्ट कर लिया। ये होता है कि सर्दी है, आपको पता है सिलेंसर के अंदर से जो पानी निकलता है वो नमी की वजह से। तो ये जितने भी पुराने मैकेनिक्स वगैरह, सबसे आप पूछने वो यही कहेंगे कि गड्डी थोड़ी सही है, सिलेंसर तो पानी निकलता है, इंजन बेहतरीन है। मैंने इस तरह की गाड़ियाँ भी देखी हैं जिनके सिलेंसर के अंदर से पानी निकल रहा होता है और साथ साथ वो इंजन ब्लो मार रहा होता है। तो ये कोई पानी निकलना कोई वो नहीं है कि इंजन, अभी मैं थोड़ा ये देखें, थोड़ा सा आपके सामने थ्रॉटल दिया है, चेक कर, अभी नहीं आया। भी नहीं आया क्योंकि ज़री बात है, मैंने जिसमें आपको बताया थोड़ा इंजन थोड़ा सारा गर्म हो, गर्म कंडीशन के अंदर आए, फिर करता है। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं फिर से थ्रॉटल वैसे देता हूँ ताकि कोई गर्म ठंडे इंजन के अंदर थ्रॉटल नहीं देना चाहिए, पर मुझे पता है गाड़ी ठंडी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी। ये देखिए आ गया ना पानी, ये देखिए ये कतरे गिरे हुए हैं, ये देखिए आया ना, फिर पानी आ गया, पानी है बिल्कुल सही। अब इस तरह ही ड्रॉप्स गिरते जाएंगे इसके नीचे और ये इसका इंजन में। ये इधर से क्या वजह किसी से, मैंने काफ़ी लोगों से जिन जिन्होंने मुझे कहा है ना कि इंजन बेहतरीन है, मैंने लॉजिक पूछी है, कोई लॉजिक नहीं है जी। वह इंजन पानी फेंकता है, इंजन पानी फेंकता है जी, इंजन बेहतरीन है, इससे क्या पता चलना है कि इंजन सही है या नहीं। मैंने आपको अगेन वही बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह की गाड़ियाँ देखी हुई हैं जिन जो ऑयल कम करती हैं, साथ में जिनकी रिंग पिस्टन खत्म है, ऑयल आता है वायर सिलेंसर के थ्रू, आपको पता है ना ब्लो जो होता है ब्लू कलर का धुआँ वो आ रहा होता है, साथ साथ पानी आ रहा होता है। ये बेसिकली आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और जिस तरह आप सुबह कोल्ड स्टार्ट करती हैं, स्टार्ट करते ही कोई चीज़ नहीं आती क्योंकि अंदर से हवा जब आती है ठंडी बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच होती है, तो कोई धुआं वगैरह या कोई स्टीम वगैरह नहीं बनती। जिस तरह इंजन हीटअप होना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, वो स्टीम बनना शुरू होती है, नमी की वजह से सिलेंसर के अंदर से कतरे पानी के गिरती हैं कुछ देर, जारी थोड़ी देर आप गाड़ी चलाएं तो वो पानी बंद हो जाएगा, और स्टीम भी अगर थोड़ी सी ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे आप तो स्टीम भी ख़त्म हो जाती है, पर वो थोड़ी थोड़ी रह जाती है। वो तो ज़ारी बात है, अंदर से जब गर्म हवा निकलनी है बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच हो के, तो वो स्टीम बनती है, क्योंकि बाहर आजकल आपको पता है कोल्ड है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है, 8-9 तक टेम्परेचर जाता है। तो ये वजह है इसके अंदर से सिलेंसर के अंदर से वो पानी निकलना कोई इंजन की खासियत नहीं है, वो टेम्परेचर के हिसाब से है। अगर आप शदीद गर्मी के अंदर कभी आप गाड़ी स्टार्ट करें, इतफाक हो आपका अगर आप स्टार्ट करें शदीद गर्मी के अंदर, तो कोई एक कतरा पानी भी नहीं आएगा, ना इंजन के अंदर से सिलेंसर के अंदर से स्टीम आएगी। ये देखिए ना, ये देखिए हल्की हल्की स्टीम कैमरे के अंदर तो नहीं शोर ही होनी, देख सकते हैं कैमरे के अंदर तो नहीं शोर ही होनी, तो वैसे मुझे आ रही है नज़र, हल्की हल्की अभी स्टीम शुरू हुई है क्योंकि इंजन इतना गर्म नहीं है, मेरी खतरा अभी तक पानी आ रहा है। ये स्टीम आई है ना, ये होती है स्टीम, ये मौसम के लिहाज से जो सी है ना वो स्टीम आना शुरू हो जाती है सिलेंसर के थ्रू, क्योंकि बाहर अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब गर्म, और बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, उसके साथ फिर ये स्टीम बनती है। ये छोटी सारी मेरी वीडियो थी, मैंने कहा ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है
कि हमारी गाड़ी सिलेंसर के थ्रू पानी फेंक दिया तो हमारा इंजन बेहतरीन है, इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।